हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉयड के बारे में। यह क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, डोज क्या होता है, इन सभी चीज़ें जानेंगे। तो यह जो स्टेरॉयड होता है, इसको तो मेडिकल यूज के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसको यूज कर लेते हैं कहीं एडिक्टेड लोगों, जैसे कि नशेड़ी लोगों, और बहुत लोग यूज करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, एक्सरसाइज कर रहा है, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, उसका सिक्स पैक निकालने का प्लान है या बॉडी बाहर निकालने का प्लान है, तो वो लोग भी इसको यूज कर लेते हैं सिक्स पैक निकालने के लिए, मतलब कि मसल ग्रोथ करने के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन यह सेफ नहीं होता है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉयड के बारे में। यह क्या होता है, इसको कब ज़रूरत पड़ता है, हमें इसको कैसे लिया जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड है, यह एक मैन मेड टेस्टोस्टेरोन होता है। तो यह जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये नेचुरली हमारे बॉडी में बनता है टेस्टिस के वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यह टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। यह एक मेल का सेक्स हार्मोन होता है। यह क्या करता है कि पुरुषों का लक्षण को दिखाता है, जैसे कि फेशियल हेयर, डीप वॉइस, मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, यह सब इसका काम होता है। यानी कि जो पुरुष का लक्षण होता है, यह टेस्टोस्टेरोन ही उसको लाता है। तो किसी व्यक्ति का टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो उसको लड़की जैसे सिम्टम आ सकता है, और किसी लड़की का ज़्यादा हो गया टेस्टोस्टेरोन तो उसको लड़के जैसा बिहेवियर उसका हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है, किसी व्यक्ति का जैसे कि टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो यह जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है उसको देकर उसको मेंटेन किया जाता है, मतलब कि नॉर्मल में लाया जाता है। जैसे कि कमी होने से किसी व्यक्ति में स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा है, मसल की ग्रोथ नहीं हो रहा है, और वो इंसान ठीक से डेवलप नहीं कर रहा है टेस्टोस्टेरोन की कमी के वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है दिया जाता है। तो इसको नशेड़ी लोग भी यूज करते हैं, और किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति है को जो एक्सरसाइज कर रहा है या उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, जैसे कि कोई रेसिंग है, रेसर है, तो उस टाइम वो लोग यूज कर लेते हैं। यह क्या करता है कि हमारा जो मसल का स्ट्रेंथ होता है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, मतलब कि आदमी को पावरफुल बना देता है। तो जैसे कि किसी व्यक्ति को रनिंग का रेस करना है या कबड्डी खेलना है, तो उस टाइम उसको बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ज़रूरत पड़ता है, तो यह स्टेरॉयड लेने से उसको बहुत ही ताकतवर बना देता है स्टेरॉयड, उसके वजह से वो जीत जाते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, एक्नी पिंपल हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हार्ट रेट इरेगुलर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या किडनी डैमेज, यह सब इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उसके वजह से आप बिना डॉक्टर के सलाह कभी भी इसको मत यूज करें। तो गाइस यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह के जानकारी पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।